समकालीन न्यायिक विकास और न्याय को कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से मजबूत करने के विषय पर 2 दिवसीय उत्तर क्षेत्र द्वितीय क्षेत्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का शिमला में शुभ आरंभ हो गया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। सम्मेलन का आयोजन नेशनल ज्यूडिशियल अकादमी द्वारा हिमाचल माननीय हाई कोर्ट और हिमाचल ज्यूडिशियल अकादमी के सहयोग से किया जा रहा है। सम्मेलन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल, अनिरुद्धा बोस के अलावा 6 हाईकोर्ट के 156 न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को काफ़ी मदद मिल सकती है, आज के समय की यह मांग भी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि भारत को विश्व शक्ति बनाने में न्यायिक व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है, क्योंकि न्यायिक लोकतंत्र का मजबूत विंग है। अगर देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा तभी हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। ये नॉर्थ जोन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जो है ये श्रीनगर में हुआ था और इसमें 6 स्टेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और हमारे पास यहाँ 156 पार्टिसिपेंट्स 6 डिफरेंट हाई कोर्ट से, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और साथ में दिल्ली की हाई कोर्ट्स के न्यायिक अधिकारी और मान्य न्यायाधीश जो हैं इस कार्यशाला में शिरकत कर रहे हैं। कितना इम्पोर्टेंस समझते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।